हे एवरीबॉडी, मैं हर स्वागत करता हूँ आपके आप चैनल में वर्ल्ड ऑफ फार्मास एंड मोटिवेशन। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं जब स्ट्रिप और मेडिसिन पर कुछ सिंबल्स और कुछ लाइनिंग होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो हम फार्मासिस्ट हैं, हमें उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और जिनको और जो लोग हैं उनको भी इसके बारे में बताना चाहिए। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखने वाले कि जो रेड लाइन होती है कुछ मेडिसिन पर, सभी मेडिसिन पर नहीं होती, कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन पर भी रेड लाइन होती है, उसका मतलब क्या होता है। सो रेड लाइन जो जिस मेडिसिन स्ट्रिप पर होती है तो वो स्ट्रिप आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवा खरीद नहीं सकते और मेडिकल स्टोर वाली को भी परमिशन नहीं होती कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दिए जाए। सो हम आगे देखते हैं कि और क्या होता है। तो आरएक्स जिन दवाओं पर लिखा जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जो आरएक्स जिन जिन दवाओं पर लिखा जाता है उसका मतलब होता है कि इन दवाओं को आप बिना डॉक्टर के सलाह आप खा नहीं सकते, क्योंकि उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं उन मेडिसिन के थ्रू अगर आप डॉक्टर की सलाह ना लें तो। सो इस सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्टर के बिना सलाह इन ड्रग को आप कभी मत खरीदना और उसको कंज्यूम भी मत करना। और आगे देखते हैं कुछ मेडिसिन पर एनआरएक्स का सिंबल दिखता है, आप आगे देख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के थ्रू पर स्लाइड में दिखाया आपको एक मेडिसिन एनआरएक्स। एनआरएक्स का मतलब क्या होता है कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होती है और एक हार्मफुल ड्रग होते हैं, एक नशीली पदार्थ जैसे होते हैं। जैसे कि उससे क्या होता है कि आपको एक आदत हो सकती है उन मेडिसिन की और इनको ज़्यादा कंज्यूम करने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आपको ये दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवा आप नहीं ले सकते और मेडिकल स्टोर वाले को भी परमिशन होनी चाहिए। इसके एक अलग परमिशन होती है, उसके पास अगर उसकी परमिशन होगी तभी आप वहाँ से आप ले सकती है और आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी लगे। लास्ट में हम देखते हैं कि एक्सआरएक्स क्या होता है उसके बारे में। तो एक्सआरएक्स क्या होता है कि इन ड्रग को आप मेडिकल स्टोर वाला भी नहीं बेच सकता, इनको सिर्फ डॉक्टर डायरेक्टली पेशेंट को देता है जिनके पास लाइसेंस होता है एनआरएक्स ड्रग बेचने का। जैसे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, अगर प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा भी होगा तो भी मेडिकल स्टोर वाला उसको नहीं दे सकता, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले को उसको देने की कोई परमिशन नहीं होती, उसको सिर्फ जिन डॉक्टर के पास उसका लाइसेंस होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ऐसे डॉक्टर्स जिनके पास लाइसेंस होता है वही इस एनआरएक्स लिखी हुई दवा जहाँ पर लिखी होती है वो ड्रग बेच सकती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और भी कुछ सवाल होगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।